मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी व्लॉग्स। और भाई हैप्पी रक्षाबंधन सबको। और आज रक्षाबंधन पे हमारे साथ है हमारे एक बहुत से प्यारे से डॉगी। ठीक है, आपको एक बार इसे मिलवा देता हूँ। इसका नाम है जैम। ठीक है, और एक बार मिलवा डॉगी भाई बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है और भाई भोंकता भी है। इसकी आवाज़ सुन लो, भोंकने की। जैम आ जा। ये अपना डॉगी है, अब भोंक पा के उल्टा आ गया है। भाई बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है और इसको चलते दिखाऊंगा तो अभी भी आप देखना बहुत ज़्यादा सेक्सी लगता है। जैम बताना। और ना ये भाई थोड़ा सा चलता है और तभी बैठ जाता है और भाई पैर फैला के बैठ जाता है। थोड़ा थोड़ा चलेगा, उधर जाके बैठ जाएगा, बस इतना ही चलता है। आपको दिखाया सा चलता है, ये क्यूट लगता है बहुत ज्यादा, देखने में बहुत अच्छा है। और गेट पे आते भाई फिर से वो करता है। देखो बैठ गया ना, बस इतना ही चलता है, वहाँ से आके यहाँ पे बैठ जाए। चलेगा ऐसे ही चलते हैं। जैम सो जैम क्या पानी और खीरे लेके आया है और ये पानी पी रहा है। पी ले भाई। जैम अपना यहाँ पे चढ़ गया है। ठीक है, यहाँ से नज़ारे ले रहा है भाई। अच्छा मौसम हो रखा था, इसको बाहर ले आया था मैं। उसमें देख लो कैसे चढ़ गया, मज़े ले रहा है। जैम ओए आ जा, प्यारा कुत्ता भाई, चलते हैं, चढ़ जाओ दोबारा। सो भाई इसको हमने दूध पानी और खीरे डाल के दे दिए और अपना डॉगी आपको बांध दिया। भाई आज ज़्यादा व्लॉग हो ही नहीं पाई क्योंकि मैं जब का सुबह से घर पे ही था। और भाई जो बताया था आपको डॉगी भाई इन साइड वालों का था। एंड भाई आज इन्होंने ना एक दुकान खोली है फूड जोन के नाम से। एंड भाई इनकी आज इनॉग्रेशन थी। सो भाई ये हमने ऊपर इनको रूम दे रखा किराए पे। अपना डॉगी यहाँ छोड़ के गए थे कि भैया थोड़ी देर के लिए रख लो। फिर हमने भी वहाँ पर आज खाना वाना उधर ही खाया था और अच्छा खाना था, अभी दिखाऊंगा। थोड़ा सा देखे भी गए और रात का रात हुई वही खाएंगे। सो आज मम्मी का भी भाई थोड़ी सी हेल्प होगी। ठीक है, आज ज़्यादा खाना बनाना नहीं पड़ा। और भाई चाचा चाची आज इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि सारे भाई चंडीगढ़ जा रखे हैं और भाई मतलब आने लग रहे हैं, चंडीगढ़ पहुँच के। और वो गए थे सोलन, सोलन से भी बल्कि आगे कसौली एंड वो आगे की साइड घूमने गए थे और दो तीन दिन पहले गए थे। और वो बीच में पिंजौर है, पिंजौर में स्टे ले रखा उन्होंने। और अब वो अभी बात हुई है, वो चंडीगढ़ आ ली है। सो शायद रात को अगर घर पे आएंगे रुकेंगे तो मैं आपको मिलवा दूँगा, नहीं तो वो रहते हैं जर्जर, तो शायद क्या होता अपना डायरेक्ट जर्जर भी चल जाए, ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो और बाकी हो पॉसिबल होगा तो भाई अपना रक्षाबंधन भी मना लेंगे। बाकी कोई बात नहीं भाई, अपना देखो हाथ अपना ऐसे ही रह गया, पर ये भी अच्छी बात है भाई, लड़कियों से बच रहा हूँ मैं। कोई भी लड़की मेरी बहन नहीं है भाई, ऐसे एक एक दो तो हैं यार। ठीक है, और एक सगी भी है, लाइक बिल्कुल सगी नहीं है, चाचा की है और वो भी जा रखी है चाचा के साथ। सो अब की बार रक्षाबंधन अपना थोड़ा सूना ही रह गया, बट कोई बात नहीं। और आज पापा भी भाई सुबह से जा रखे थे चंडीगढ़ और अब आए हैं। और भाई गाड़ी मैंने धोई थी और अब इसकी हालत दिखाऊंगा भाई, देख लो पूरी गंदी कर दी। ठीक है, मैंने आज सुबह ही धोई थी, चमक रही है ना, पर ये बाहर से पापा ने पूरी गंदी कर दी। टायर भी भाई बिल्कुल चमक गए थे पर अभी गंदे गंदे कर दिए। और भाई फ्रंट शीशा तो बस बुरा ही हाल कर रखा है। असल में भाई लॉन्ग डिस्टेंस सिस्टम है तो फिर बुरा ही हाल हो जाता है। अभी आए भाई, देखो 8 बज गए और सुबह 6 बजे गए थे लिटरली। सो पापा भी ज़्यादा थक गए हैं, अब ऊपर चले गए हैं। तो मैंने अब गाड़ी पार्क करी है यहाँ पे और अभी अंदर लगा दूंगा थोड़ी देर में। से चाबी मेरे हाथ में ही है, मेरे साथ है। क्या कर रही है भाई अपना, ये बहुत गंदा ट्रेंड हो गया। ये बंदे को भाई मैं देखो लग रहा अपना इंस्टाग्राम की रील्स देखने पागल हुआ है। एक बात और भाई, कई सारे सब्सक्राइबर्स मेरे को कह भी रहे थे कि भाई अपने पेरेंट्स से मिलवाओ, अपने भाई को भी दिखाओ। सो भाई वाला मैंने आपको दिखा दिया, मम्मी का मैंने आपको एक अलग व्लॉग बना दिया था और पापा को भी मैंने दिखाया था अपने एक व्लॉग में। ठीक है, और भाई एक अलग से भी स्पेसिफिक बना दूँगा। अभी पापा को मैं अभी आज ही दिखा देता। सुबह 6 बजे आज पापा को अर्जेंटली जाना पड़ गया एंड इसकी वजह से नहीं दिखा पाया। और भाई अभी भी दिखा सकता था पर अब ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि भाई काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आए हैं। सो नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करता हूँ। ठीक है, असल में पापा को मनाना ही तो मुश्किल होता है। वीज़ा तो मेरा आ गया, देखो ठीक है वीज़ा आ गया है। एंड
अब आगे अब मेरे को क्या कराना है, पीपीआर के लिए, पीपीआर आया लाइक वीज़ा में, पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर, ठीक है, यानी कि अब वो वीज़ा वाले वीएफएस ग्लोबल होती है इनकी साइट वीज़ा की, सो वहाँ पे जाके मेरे को, या तो भाई इसमें दो टाइप की सर्विस ऑप्ट कर सकते हैं, जो कहते हैं ना पासपोर्ट जो थप्पा लगता है उसके लिए दो टाइप की सर्विस ऑप्ट कर सकता हूँ मैं, एक होती है भाई कुरियर वाली, लाइक घर से ही मैं कुरियर, लेकिन कुरियर वाली में भाई टाइम लगता है 10 दिन का, सो कुरियर वाली मैं ऑप्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे को जाना है जल्दी, और वैसे भी आज रक्षाबंधन है और मैं प्लान कर रहा हूँ 22 के अराउंड, ठीक है, क्योंकि गौरव और लक्ष्य भी 22 को ही जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उन्हीं के साथ हो जाए, क्योंकि भाई फ़्लाइट काफ़ी लंबी होगी हमारी, लाइक 24 घंटे के आसपास हमें फ़्लाइट में ट्रैवल करना पड़ेगा। अरे अरे डॉगी ना दिखाऊँ आपको, ये भाई हमारे ईशान भाई का फेवरेट डॉग है, ईशान भाई को भी दिखाता हूँ, ईशान भाई का डॉग है, ठीक है, इसका नाम है डुगिया, ये डुगिया है, और भाई डुगिया की डेथ हो गई थी, और वो जो सामने घर दिख रहा है ना आपको जहाँ पे वैगनार खड़ी है, ये है घर भाई ईशान का, अब ईशान बताओ ना भाई, बचपन का दोस्त, खास मित्र, सबसे खास 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 मित्र, और वो जा रखा है बैंगलोर, और भाई वो भी आएगा 17th को, भाई उसके लिए भी बहुत खुश हूँ मैं, फाइनली जाने से पहले एटलीस्ट मिल रहा है लड़का, सो और भाई स्पेशल आ रहा है, तो भाई उसके लिए भी भाई ईशान वेरी वेरी थैंक यू, अगर तू ये ब्लॉग देख रहा है तो, ठीक है भाई, तो आ रहा है इतनी दूर से बैंगलोर स्पेशल, भाई ईशान वासे अपना आईटी मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और भाई ये अपना उडुपी में बैंगलोर के पास है, सो भाई अपना भाई फ्लैट लेके रह रहा है अभी, पहले हॉस्टल में था तो अभी उसने शिफ्ट करा है फ्लैट में, थोड़ा सा उसमें भी एडजस्टमेंट में टाइम लग रहा है उसको, और अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसके, एंड एग्ज़ाम उसके 17th को कम्प्लीट हो, 17th को ही फ़्लाइट लेके और आ रहा है वो 2-3 दिन के लिए, क्योंकि भाई उसकी दूसरे सेमेस्टर में ब्रेक नहीं दे रखा, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज कर रखा भाई MIT वालों ने, सो आ रहा है भाई कम से कम, पर भाई यू भी है देखो, अब 4 साल की डिग्री करने जाऊँगा तो भाई पता नहीं कब आया जाएगा दूसरी बार, और भाई फ़्लाइट भी बहुत महंगी पड़ रही है, 2,22,000 की मिल रही है ऑनलाइन, मैंने भी चेक करा दिल्ली टू वैंकूवर, सो भाई ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम बन रही है, बाकी मैं कर रहा हूँ एडजस्ट थोड़ा सा, देखते हैं किसके थ्रू क्या, ऑनलाइन तो ज़्यादा महंगे कोई जानकारी निकलवाते अपनी, थोड़ा ठीक ठीक रेट में जानकारी में भी लाइक इतना तो फ़र्क पड़ता नहीं है, पर भाई 1.70-1.65 के अराउंड मिल जाएगी, सो 20-30 हज़ार रुपये तो बच रहे हैं उसमें, क्या भाई अपना जितना पॉसिबल उतना बचाएंगे, क्योंकि वहाँ जाके भी भाई सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा है, और भाई अपना डॉलर्स उधर के $1 ही आ गए भाई, 61 रुपये अपने 61 हो गए, सो उसका भी अपना थोड़ा सा है, बट भाई जब डॉलर्स में कम आएंगे ना तो भाई उतनी खुशी भी होगी, पर अभी अपना INR लेके जाएंगे तो भाई उसके लिए थोड़ा सा भी कम खर्चीला बनना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें लिमिटेड करूँगा, ज़्यादा पैसे वैसे नहीं उड़ाने बिल्कुल भी, और अपना अच्छे से रहना है भाई, मेहनत करनी है ऑब्वियसली भाई, इतना वो करके भेजा है सबने तो, सो भाई ये सारी बात बतानी थी आप लोगों को, और भाई मैं जो बता रहा था उस टाइम पे यार बीच बीच में ना पता नहीं बातें घूम जाती है आपसे ना, प्रॉपर एक बात पर टिका नहीं रह पाता मैं, सो उस टाइम पे बता रहा था मैं अपना लाइक डोर टू डोर वाला जो होता है वो भाई पोस्टमैन जो आता है वो अपना घर से ले जाता है और फिर घर पर ही दे जाता है, पर उसमें भाई 10 दिन लगते हैं, और भाई मैं ऑप्ट करूँगा दूसरे वाला, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें खुद VFS के ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहाँ से पासपोर्ट सबमिट करके, और भाई दोबारा वह 4 दिन लगते हैं, आई गेस 4 दिन में मेरा पासपोर्ट रेडी हो जाएगा, उसमें थप्पा लग के वीज़ा उस पर अटैच हो जाएगा, वो जो पेपर आता है कैनेडा का वो दिखाऊंगा आपको कैसा आता है वो जब मिल जाएगा मेरे, सो कल जाऊंगा भाई मैं वहाँ पे, और फिर आपको देखो वहाँ पे जाके भाई व्लॉग नहीं बना सकता मैं, और इसलिए ही आपको बता रहा हूँ एडवांस में, क्योंकि भाई उसका रीज़न क्या है, VFS वाले भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, फ़ोन अगर बाहर भी निकालते हैं कॉल पे बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई प्राइवेसी वाला सिस्टम है भाई, और कोई छोटी मोटी जगह नहीं जा रहा, लाइक पूरा प्रॉपर वीज़ा वाला सिस्टम है भाई उनका, सो भाई वहाँ पे फ़ोटो, मैं पिछली बार जब गया था बायोमेट्रिक्स के लिए तो उन्होंने, मैं उस टाइम पे भी ब्लॉगिंग करने की कोशिश की मैंने एक फ़ोटो खींची थी अपनी, वीडियो भी नहीं बना रहा था उसमें भी, उन्होंने फ़ोटो भी डिलीट करवा दी थी, तो भाई ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है वहाँ पे, इसलिए ही व्लॉग नहीं बना पाऊँगा वहाँ का, सो बट कोई बात नहीं भाई, जब अपना पासपोर्ट दोबारा लेने जाऊँगा ना तब बना दूंगा, क्योंकि अंदर का तो देखो कैसे दिखाऊंगा पर 12 से, और अपना पासपोर्ट ज़रूर दिखा दूंगा तो जब घर पे दिखा दूँगा, लेट्स सी भाई वो तो आगे की बात है जैसे भी जो होगा, पर कल जाना है और सब पासपोर्ट दे के, और फिर 4 दिन में पासपोर्ट अपना रेडी, फिर 4 दिन बाद दोबारा, और फिर फाइनली भाई अपना पासपोर्ट अपने हाथ में, और फिर 21 या 22 की फ़्लाइट पकड़ लेंगे, 22 की भाई वो जा रहे हैं, और लेट्स सी भाई मेरा भी देखो पक्का नहीं है फ़्लाइट, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी बुक नहीं कराई है मैंने, जैसे ही फाइनल होगा मैं आपको बता दूंगा, एंड भाई जो आगे का है वो आगे का बता दूंगा, अभी फ़िलहाल यही बात करनी थी आप सबसे, लाइक अब मैंने आपको अपना टोटल वो बता दिया है, अब कहाँ तक मेरा प्रोसेस पहुँचा है और अब आगे का क्या करना है।
ओके भाई दैट्स इट। मैंने आपको पूरा अपना पास तक का सारा एक्सप्लेन कर दिया सारा, यू नो अब जब अब तक जितना भी प्रोसेस हो चुका है मेरा वीज़ा वगैरह का वो मैंने आपको सारा बता दिया कनाडा जाने से पहले। और अब कुछ नहीं रह रहा, अब तो भाई सिर्फ पैकिंग करनी है, हल्की फुल्की शॉपिंग हमने इतनी कर ली है, ज़रूरत नहीं है ठीक है। अब ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया, बस वो बैग्स है, बैग्स भी लेके आ चुका हूँ मैं, बैग बहुत पहले ही लिया था इसलिए व्लॉग नहीं बना रखा उसका, क्योंकि व्लॉगिंग शुरू करने से पहले मैं बैग ले आया था, लेकिन मेरे पास पहले से रखे थे, बीच बीच में वही इधर उधर भी जाना पड़ता है, तो उसके लिए बैग्स है मेरे पास दो, सो उसी में अपना पैकिंग वैकिंग बस कपड़े कपड़े रखने सारी चीज़ें रेडी है। कल वो पासपोर्ट दे आऊँगा और बस अपना सिस्टम फिर सेट है भाई, जो भी आगे का होगा फिर आपको आगे बता ही देंगे ठीक है। सो भाई इस व्लॉग को कर देते हैं अब यहीं पे ख़त्म, एंड अगर आपको भाई ये वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाइयों, सपोर्ट कर दो ठीक है, और भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।